गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं उठ गई थी 5:30 बजे, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी गर्म करा पिया और फिर 6 बजे मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा एंड देन अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, पर देखो क्या हो गया। सो मेरे मैट में से निकल गई छिपकली, जो कि मुझे दुनिया का सबसे गंदा रेप्टाइल लगता है। और आई डोंट नो, मैं देखने के बाद ना मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं इतने खतरनाक वाले। मैं मेरे सामने सांप ला के खड़ा कर दो, आई कैन एडजस्ट, बट छिपकली नो। इवन मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं फ़ोन के कैमरे में देख रही हूँ इसको, ऐसे रियल में नहीं देख रही हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, बट मेरे को ना वो छिपकली वाला फोबिया बहुत खतरनाक वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज करा, ऑब्वियसली उस मैट पे नहीं, मैंने फर्स्ट पे ही करा। एंड देन ये खा रही हूँ मैं एप्पल, और एप्पल खाने के बाद अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने अभी तक अपना टू डू लिस्ट नहीं बनाया है। सबसे पहले मैंने इसमें लिखे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। आप सभी को पता है कि सिलेबस अपडेट हुआ है, जिसमें हमें 83 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं आउट ऑफ 96। सो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं, मतलब ये जो चैप्टर्स है वो मुझे करने ही करने हैं। बाकी के जो चैप्टर्स है जो अभी भी कंफ्यूजन में है, वो करना है नहीं करना है या निकाल दिया गया है, तो उसको मैं दिसंबर और जनवरी के लास्ट तक में करूँगी, क्योंकि तब तक NTA पूरा क्लियर कर देगा कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो मैंने यही सोचा है कि ये जो मैंने बनाया है लिस्ट, इसको सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना है। वैसे तो यही इतना ज़्यादा है कि इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिंगर क्रॉस्ड कि इसे जनवरी लास्ट तक कंप्लीट हो जाए, कर पाऊँ मैं। वैसे तो हमारे जो बैच में चल रहा है वो तो करना ही करना है, बट इसको साइड बाय साइड करना है, वो भी अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है अभी, इसलिए मैंने बना के रख दिया। और इसको मैं फ्रंट दीवार पे चिपका लूँगी, ताकि मुझे ये ना लगे कि अभी ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो आज का मेरा टू डू लिस्ट ये है कि अभी मैं करूँगी बायो में जेनेटिक्स का एक चैप्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है तो उसका 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक्चुअली, केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ तो उसी को मैं रिवाइज करूंगी, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूंगी। एंड फिजिक्स में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करूंगी एज मच एज पॉसिबल, जितना हो पाए। ऑलमोस्ट मैं 100 से 150 तक तो मुझे करना ही करना है, ये एक रूटीन सेट कर रही हूँ मैं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मुझे रोटेशनल मोशन रिवाइज करना है अगर टाइम रहेगा तो चलो इतना कंप्लीट करते हैं, बाकी टाइम बचेगा तो देखेंगे। आज मौसम पूरा बारिश बारिश हो रखा है, पर पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, बट वो धूप आ रही है, जा रही है। एंड आफ्टर ब्रेक अभी मैं कर रही हूँ बायोलॉजी का इवोल्यूशन वाला चैप्टर। आज मैंने टू डू लिस्ट में 2 चैप्टर ऐड किए हैं बायोलॉजी के, तो एक अभी कर रही हूँ, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरा करेंगे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर टाइम रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लो, जब वो नहीं होता है तो डिमोटिवेशन होता है, इसलिए मैंने ऑप्शनल रखा है कि अगर टाइम रहेगा तो करूँगी, नहीं रहेगा तो नहीं करूँगी। वेल, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मैं तो सब आपको बता देती हूँ, बट आप लोग भी बताओ कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि वो वीडियो में सब कुछ अपने बारे में अपडेट देके चली जाती हूँ, बट आप लोगों के बारे में मुझे पता ही नहीं चल पाता है, आप लोगों के बारे में कॉमेंट से ही पता चलता है, तो यार कॉमेंट करके बताओ। एंड आई एम श्योर आप सब सिर्फ पाहुजा मैम को तो जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दे रही हूँ, इज अ ऑसम टीचर ऑफ बायोलॉजी फैकल्टी। उन्होंने और दिशा पब्लिकेशन ने मिलकर अपना एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम 360 NCERT बायोलॉजी फॉर नीट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बुक में ऐसा क्या है। सो ये बुक एक थ्योरी कम एक्सरसाइज बुक है। ये बुक आपको हेल्प करेगा 11, 12th एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को मास्टर करने में। इस चैप्टर ऑफ दिस बुक हैज 2 पॉइंट्स ऑफ फोकस, टॉपिकल थ्योरी एंड 6 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। इस बुक के हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस विद डिफिकल्टी लेबल, माइंड मैप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, NCERT बेस्ड टॉपिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पलर, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस एंड टॉपिकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो 1-liner थ्योरी में कवर किए गए हैं। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्कोर 360 out of 360 इन बायोलॉजी सेक्शन, बिकॉज इस बुक में ऐसी चीजें इंक्लूड की गई हैं, ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। एंड इस बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एक बॉक्स में बना के दिया गया है, ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ, बिकॉज वो पहले के
पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाओगे, जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा। एंड इस बुक में आपको एक स्पेशल फीचर मिलेगा जो है लर्न बियॉन्ड एनसीईआरटी। दिस फीचर इज गिवन विद ईच टॉपिक फॉर एडिशनल की इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज योर नीट स्कोर। एंड वेट, इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट मैप भी मिलेगा जिसे आप किसी भी चैप्टर को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड में सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जो कि बेस्ट है। तो अगर आप बायोलॉजी के लिए एक अच्छे बुक की तलाश में हो सो यू कैन बाय दिस। ये बुक आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगा एंड इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कॉमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो इस वाले सेक्शन में है 22 क्वेश्चंस और इस वाले सेक्शन में है 23 क्वेश्चंस और इस वाले सेक्शन में है 24 क्वेश्चंस और इस वाले सेक्शन में है 18 क्वेश्चन और इसके बाद जो सेक्शन है उसमें है 24 क्वेश्चंस और लास्ट वाले सेक्शन में है 44 क्वेश्चन। सो मैंने तो ऐसे आपको बता दिया बट आप लोग बताओ काउंट करके कितने क्वेश्चंस हुए, क्या आप लोग काउंट कर पाए कि नहीं कर पाए, इतने क्वेश्चंस मुझे करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि आप चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या फिर पूरा यूनिट खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या फिर चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो किसी भी चैप्टर का और किसी भी सब्जेक्ट का। और तो बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग तरीका बताया था जो कि सही भी है। आपको जिस तरीके से वर्क कर रहा है कि आपको जिस तरीके से लग रहा है कि हाँ इस तरीके से मेरी प्रोडक्टिविटी आ रही है उस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी का देख के मत करो। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था। आजकल ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मुझे गले में बहुत ज़्यादा वो सुबह उठते ही ना बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन होता है और कुछ गले में दिक्कत भी चल रही है। आई डोंट नो गला को क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये बनाया चाय। बिकॉज अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे कुछ टाइम से मिल्क सूट नहीं कर रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। आई नो क्या हो गया है बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बट दुख की बात ये है कि यार मेरे से काला काला चाय कॉफ़ी नहीं पिया जा रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आदत है कॉफ़ी पीने की, ज़्यादातर एनर्जी के लिए और एक्टिव रहने के लिए मैं लेती हूँ, बट वो काला काला मेरे से पिया नहीं जा रहा है, मेरे को स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो कोई ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव हो तो ज़रूर बताना मुझे। और उसके बाद मैंने किया केमिस्ट्री रिवाइज, मैंने किया तो था बट वो कुछ डाउट आ रहा था, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा था तो मैंने वहाँ से फिर से रिवाइज़ करा। वो मैंने रिवाइज़ कर लिया था बट मैंने फिर से रिवाइज़ करा और उसके बाद फिर मैंने ब्लैंकेट से कुछ सामान मंगवाया जो मेरे पास नहीं थे। एज़ यू कैन सी क्या है घर का सामान। और काफ़ी टाइम से ना मैं दाल वाल भी नहीं खा रही हूँ बिकॉज मेरे पास कुकर नहीं है तो मैं दाल नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने मंगाया न्यूट्रीला और साथ में मैंने एग भी मंगा लिया था। उसके बाद डिनर में मैंने बनाया था न्यूट्रीला की सब्जी और पराठा। और ये छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं फूड के ना, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उस पर ज़रूर देखने को मिला होगा। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का पहला वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। इसका सेकंड चैप्टर मैं कल रिवाइज़ करूँगी डे 5 वाले में। एंड या सो आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन मेरा उतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि मैंने जैसे ऑप्शनल में रखा था रोटेशनल मोशन बट वो हो नहीं पाया, सो दैट इज़ ओके बिकॉज वो तो मैंने टू डू लिस्ट में ऐड ही नहीं करा था, बस मैंने सोचा था अगर टाइम रहेगा तो कंप्लीट करूँगी। इसी के साथ मैंने अपना आज का भी जो भी होता है टू डू लिस्ट कंप्लीट करा, ऑलमोस्ट कंप्लीट करा, मतलब समझ लो 90% कंप्लीट करा। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।